हूँ द्वारका देश। दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे हम टैरो में से 7 कार्ड लेके। साथ ही साथ लेने वाले हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल, उसमें से लेंगे 9 मैसेजेस और 1 लव मैसेज 100 मैसेजेस में से हमेशा की तरह। तो देखते हैं पहले टैरो के कौन से कार्ड मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन बैठा हुआ है। पहला ही कार्ड है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, उन्हें लग रहा है कि काश मेरे पर्सन का मुझे कॉल या मैसेज आ जाए या फिर वो सामने से मुझे मिलने आ जाए। जैसे ये आसमान की तरफ देख के कुछ इमेजिन कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन आपको लेके काफी ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे 3 कप पड़े हुए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि इनके इर्द गिर्द लोग हैं जो इनको मनाने की शायद कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उनको भी शायद महसूस हो रहा है कि ये पर्सन थोड़े से उदास हैं, लेकिन इनका ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ये उनके घर में जो लोग रहते हैं, यानी कि पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, सिबलिंग हो सकते हैं, या फिर अगर वर्क प्लेस पे है तो हो सकता है उनके दोस्त भी उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एहसास हो रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा खोए खोए हैं और उदास भी है, और सबको शायद पता है कि ये उदास क्यों है। शायद इसलिए थोड़ा सा इन्हें सब लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उनका ध्यान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनल जोन से वापस आने के लिए। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। एक गेट है जो ओपन तो है, लेकिन ये पर्सन उस गेट से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। 2 सॉर्ड है जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि आप दोनों के बीच में कुछ शायद बातचीत हुई है, लेकिन आपका कहना हो सकता है कुछ अलग था, इस पर्सन का कुछ अलग था, और अब इन्हें लगता है कि आगे की जो बात है वो ना करना ही ठीक है। राइट नाउ शायद इनके पास कोई जवाब नहीं है, या फिर उस बात को लेके ये इतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं है कि आखिर उन्हें कहना क्या है, इसलिए थोड़ा सा ये वहां से निकलने की कोशिश कर रहे, यानी कि जो भी सिचुएशन चल रही है प्रेजेंट में उससे थोड़ा खुद को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें आखिर कहना क्या है। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन सामने देखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसके हाथ में कप जरूर है, यानी कि आपको ये प्यार का कप देना चाहते हैं, लेकिन आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद उनके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं है, या फिर ये थोड़ा सा हो सकता है आपके ऊपर नाराज भी है, और जिस वजह से ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं तुमसे नाराज हूँ, मुझे नहीं बात करनी, लेकिन हाथ में जो कप है वो तो देना चाहते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि सच में क्या आपसे ये नाराज भी है। फिर है जजमेंट, अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। इस पर्सन को एंजल्स ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे है कि अब तो जागो, अब तो समझो उसके प्यार को, कदर करो। कोई हमसे सच्चे दिल से प्यार करता है तो हम उसको जब इग्नोर करते हैं तो उसकी हालत क्या होती है, उसके दिल को कितनी चोट पहुंचती होगी। तो यही एहसास उनके दिल में जगाए जा रहे जगाने की कोशिश कर रहे एंजल्स, जिसकी वजह से थोड़ा इनका दिल जो है वो बेचैनी की हालत में ज्यादा है, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो वही कर रहा हूँ जो करने का मेरा मन होता है, फिर भी ऐसी हालत क्यों है।
और बार बार उनका दिल आपके ख्यालों में खोए जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा तो पहले शायद हुआ है, मैंने अपने पर्सन को ऐसा बोला था या ऐसा, पता नहीं उसको भी शायद बुरा लगा होगा, मुझे शायद सॉरी कहना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे शायद ये कार्ड आया है कि वो नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। फिर है द वर्ल्ड। तो ये पर्सन आपको बताएं या ना बताएं, इन्होंने अपने दिल की छोटी सी दुनिया में आपको सेंटर स्टेज पे रखा है। भले ही जुबा से आपसे कहे कि इनकी दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं है या फिर ये आपके साथ छोटी सी दुनिया नहीं बसा सकते, लेकिन डीप डाउन इन हिज और हर हार्ट उन्होंने आपको ही वो प्लेस देके रखी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग ईगो में या फिर अपने दिल की नादानी में कुछ आंसर्स गलत दे देते हैं, उन्हें पता होता है सही आंसर्स क्या है, फिर भी वो जुबान से तो उल्टे सिलते ही बातें बोल देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये पर्सन शायद अपनी जुबान से ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि आपकी जो मेन जगह है वो सिर्फ और सिर्फ उनके दिल में है, और ये आपके सामने कन्फेस करने से शायद वो हिचकिचाते हैं। फिर टू ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरे के सामने ये बिल्कुल है, और दोनों भी एक दूसरे को ये कप देना चाहते हैं। जो नीचे पानी है वो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, तो काफी ज्यादा जज्बात ही हो जाते हैं आप दोनों भी। जब बात आती है आपके पर्सन की तो उनकी भी हालत ऐसी हो जाती है और आपकी भी शायद ऐसी ही हालत होती है, क्योंकि प्यार होता ही ऐसा है। और फाइनल कार्ड है सिक्स ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये सक्सेस का कार्ड है, तो इस पर्सन ने ऑलरेडी जिंदगी में कुछ गोल सेट करके रखा है, मे बी शादी यही इनका गोल भी हो सकता है, क्योंकि कई बार इंसान का ऐसा होता है कि बाकी सब कुछ तो मैंने अचीव कर लिया है, पैसा वगैरह भी है, लेकिन वॉट अबाउट माई लव लाइफ, मुझे उसी के साथ जिंदगी बितानी है जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, और ऐसी शायद ख्वाहिश अगर इस पर्सन की है तो उन लम्हों को सोच के ये कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ ये मुझे बस अभी इतना ही करना जिंदगी में बाकी रह गया है, बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने किया है, तो वो प्लान शायद इनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। अब देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल में से हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। चॉइस, प्लीज चूज वन डायरेक्शन। तो इस पर्सन को वन डायरेक्शन चूज करने की राइट नाउ जरूरत है, यानी कि एक तो डिसाइड करना है कि इन्हें बात करनी है तो क्या करनी है, और अगर नहीं करनी है तो हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां बढ़ सकती है, और जो ये सोच के ही समझ नहीं पा रहे कि इन्हें आखिर क्या करना है, और यही चॉइसेस उनके लिए राइट नाउ में भी डिफरेंट बहुत डिफिकल्ट हो रहे हैं। फिर है ब्रेक थ्रू, यू विल गेट थ्रू द डिफिकल्ट टाइम टुगेदर। तो जो भी राइट नाउ हालत है आप दोनों की, उन्हें ये दिल से तो समझ में आता है कि दोनों मिलके अगर इन हालातों का सामना करेंगे तो इजीली इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे या फिर कोई सोल्यूशन मिल पाएगा, लेकिन अकेले अकेले अगर कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा तो उसके लिए उतना ही वो मुश्किल बनता चल है और बनता ही जाएगा, ये बात भी वो अब धीरे धीरे सही लेकिन समझ रहे हैं। फिर है ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच टू यू। तो आप दोनों के बीच में एक स्ट्रांग टेलीपैथी जरूर हो रही है, यानी कि आपके पर्सन आपको मैसेज सेंड करे ना करे, आपकी उनसे बातचीत हो ना हो, टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल, मिलना जुलना, लेकिन फिर भी जब भी आप उनको लेके कुछ दिल से सोचते हैं या फिर उनको दिल से कुछ बात कहते हैं कि आई विश तुम काश यहाँ होते, या फिर तुम्हें पता भी है मैं कितना मिस करता हूँ या करती हूँ, तो उनके दिल को वो कनेक्शन जुड़ जाता है और उन्हें भी कहीं ना कहीं आपकी याद इस तरह से आ जाती है कि वो सोचते हैं कि मुझे मेरे पर्सन तक रीच आउट करना चाहिए, मुझे उसे कॉल या मैसेज करना चाहिए या फिर मिलना चाहिए, यानी कि अगर कुछ छोटे मोटे झगड़े भी है तो भी ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो एहसास उनके दिल तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से शायद इनका मन करता भी है कि आपसे मिले। फिर है ट्रस्ट योरसेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस। तो जो इनकी अंतरात्मा कह रही है वही इनको सुनने की जरूरत है, जैसे कि यहाँ पे भी हमें कार्ड मिला है, एंजल्स कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन को जगाने की, यानी कि अवेकनिंग, जैसे यहाँ पे ये जगा हुआ है लेकिन इसको कोई सुध नहीं है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्योंकि ये अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। तो इनकी जो अंतरात्मा कह रही है कि वही है तुम्हारे लिए राइट पर्सन, उस बात को बस अब इन्हें दिल से एक्सेप्ट करना है, और यही बात जब वो सुनेंगे तो शायद उन्हें आगे का रास्ता भी समझ में आएगा। फिर है ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, योर काउंटर पार्ट आइडेंटिफाइज यू। तो आपको भी पता है कि आपके पर्सन राइट नाउ अगर आपसे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं तो उनके दिल की हालत क्या हो सकती है, यानी कि उनका नेचर, उनका रूड बिहेवियर हो, उनका रोमांटिक नेचर हो, उनका जैसा भी एक आप कह सकते हैं कि
उनकी हाल चाल, जैसा भी उनका एक नेचर है, वो जैसे भी आपके साथ पेश आते हैं, आप दिल से समझते हैं कि हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड हिम और आई कैन अंडरस्टैंड हर, तो आप समझ जाते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में वहां पे कोई पर्सन नहीं होता आपकी बातें सुलझाने को या फिर आपको समझाने को, लेकिन फिर भी आपका दिल होता है जो ये समझ जाता है कि ये पर्सन कैसे हैं, और इसलिए शायद आपकी तरफ से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में भी इस रिश्ते में ज्यादा है और यही बात ये पर्सन समझ रहे हैं। फिर है होलनेस, बैलेंसिंग फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जीज। तो जैसे यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही ऐसा होता है जिसमें बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और एक फेमिनिन और एक मस्कुलिन एनर्जी जब एक साथ एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के आगे चलने की कोशिश करते हैं, तभी ये हार्ट जो है वो हैप्पीली खुश हो जाता है। यानी कि फीमेल पर्सन को भी हैप्पीनेस मिलता है और मस्कुलिन को भी हैप्पीनेस मिलता है, और दोनों को भी एक कम्प्लीटनेस महसूस होता है। लेकिन ये तब होता है जब दोनों भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, और राइट नाउ शायद यही हो रहा है। आपके पर्सन हो सकता है खामोश रह के सही, लेकिन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है सून, हैप्पी न्यूज एंड डेवलपमेंट्स कमिंग। तो शायद बहुत जल्द आपको हो सकता है कोई हैप्पी न्यूज देने वाले है ये पर्सन, यानी कि जैसे कि सक्सेस का कार्ड हमें मिला है, तो हो सकता है ये पर्सन शादी ब्याह को लेके कोई सीरियस स्टेप उठाए, या फिर आपका कोई ऐसा सपना वो पूरा करने जाने वाले हैं जिसको सुन के आपको ये खुशी आपको लगेगा कि शायद आप सातवें आसमान पे हैं, तो आपको वो हैप्पीनेस देने के बारे में भी सोच रहे हैं, जो भी शायद बातें आप दोनों के बीच में डिस्कस हुई थी। फिर है चाइल्डहुड वुंड्स, अनरिजॉल्व्ड इनर इश्यूज। तो हो सकता है इस पर्सन का थोड़ा सा बचपन खराब गया है, किसी किसी के शायद पेरेंट्स वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट थे, या फिर हो सकता है किसी के पेरेंट्स में से या फिर उनकी मॉम नहीं है या फिर डैड नहीं है, जिनकी वजह से इस पर्सन के कुछ ऐसे घाव हैं जो शायद इन्होंने कभी भी किसी के सामने नहीं रखे हैं, और राइट नाउ जब ये अपनी जिंदगी को नेक्स्ट स्टेप पे लेने के बारे में सोचते हैं, यानी कि अपनी फैमिली, अपनी शादी के बाद सेटल होना है, फिर बच्चे, फिर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब सोच के ही तो हर कोई शादी करता है, तो वैसे जब ये सोचते हैं तो उन्हें शायद वो जख्म फिर से दोबारा हरे हो जाते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता कि जिंदगी कई बार ऐसे मुश्किल हालात से हमें ले जाती है कि जहाँ पे हमने कुछ सोचा भी नहीं होता, और वैसे हालात का भी सामना करना पड़ता है। अगर अनफॉर्चुनेटली इस पर्सन ने ऐसे कुछ हालातों का सामना किया है, जैसे अपने पेरेंट्स में से किसी को खो देना, या फिर किसी किसी के भाई वगैरह के कुछ ऐसे एक्सीडेंट वगैरह भी होते रहते हैं, जिसके वजह से बचपन में वो घाव जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गहरी चोट कर जाते हैं दिल के ऊपर, तो ये पर्सन शायद फ्यूचर को लेके डर रहे हैं कि पता नहीं आगे के मैं फैमिली के बारे में या फिर फैमिली बनाने के बारे में सोच तो रहा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, यानी कि थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचने लगते हैं, और ये बेवजह नहीं सोचते, मे बी उनके साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हो सकते हैं बचपन में जो शायद इनके मन में डर बन के बैठ गए हैं। फिर है वॉरियर्स ऑफ लाइट, द ट्विन फ्लेम मिशन ऑफ अनकंडीशनल लव। तो ये जो मिशन है इसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ शामिल है, यानी कि ये कनेक्शन ही ऐसा होता है जहाँ पे अनकंडीशनल लव होता है। सामने वाले पर्सन के दिल में भी आपको लेके अनकंडीशनल लव होता ही है, और आपके दिल में भी उनके लिए वैसा ही प्यार होता है जो टर्म्स एंड कंडीशन से परे होता है, यानी कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो ही मैं तुम्हें अपना मानूंगा, चांद तारे तोड़ के लाने हैं, ये लाने वो लाने, ऐसे फालतू की बातें यहाँ पे नहीं होती। यानी कि बहुत मुश्किल वक्त में भी दोनों एक दूसरे का साथ निभाने की कोशिश करते रहते हैं, फिर भी दिल से एक दूसरे को यही एहसास दिलाते रहते हैं कि कुछ भी हालात क्यों ना हो, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, और यही एहसास उनके दिल को भी हो रहा है, जिसकी वजह से ही शायद ये सोच रहे हैं सीरियसली जिंदगी के बारे में। अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। वी आर अ परफेक्ट मैच, देखा ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है और ट्विन फ्लेम कार्ड भी आया था। ये दोनों जैसे एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है, ये परफेक्ट है दोनों ही साइन। वैसे ही आपके पर्सन भी ये कहना चाहते हैं कि उन्हें ये दिल से एहसास हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। तो जनरल रीडिंग है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।